वेलकम टू मैथ्स सम माय डियर स्टूडेंट. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डबल इंटीग्रेशन, जहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पोलार सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं. ओके, पोलार सब्स्टिट्यूशन मतलब पोलार कोऑर्डिनेट्स. पोलार कोऑर्डिनेट्स दैट मींस जो फंक्शन एक्स वाई है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा किसमें, आर थीटा में, राइट. अब देखो, मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए थोड़ा सा बेसिक ऑफ पोलार कोऑर्डिनेट रिवाइज किया है. तो हमें पता है कि ये जो एक्स एक्सिस होती है वो पोलार सिस्टम में इनिशियल लाइन होती है जहां पर थीटा जीरो होता है. जो वाई एक्सिस है वो पोलार सिस्टम में थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू लाइन होती है, राइट. और जो पोल होता है उस पर आर कितना होता है, जीरो. जो आर होता है वो लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. जो थीटा है वो रोटेशन रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पोलार सिस्टम में थीटा मतलब रोटेशन, बाय विच एंगल द रेडियल स्टेप इज रोटेटिंग. ओके, तो व्हेनेवर यू आर इवैल्यूएटिंग लिमिट इन पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो यू हैव टू कंसीडर अ रेडियल स्ट्रिप, नॉट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, यू हैव टू कंसीडर अ रेडियल स्ट्रिप. तो रेडियल स्ट्रिप का एक एंड होता है पोल पर, जहां पर आर क्या होता है, जीरो. अदर एंड होता है कर्व पर, वहां पर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसे कर्व दिया होगा अकॉर्डिंगली, राइट. एंड देन दिस रेडियल स्ट्रिप इज रोटेटिंग टू कवर द बाउंडेड रीजन, राइट. तो देखो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें कर्व का बाउंडेड रीजन डिटरमाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार तुम बाउंडेड रीजन पता चल गया, फिर वहां तुम वर्टिकल स्ट्रिप लो, हॉरिजेंटल लो या रेडियल स्ट्रिप लो, पर हमें वो पूरा बाउंडेड रीजन क्या करना होता है, कवर करना होता है. अब अगर हम पोलार सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चंस है. एक वो जिसमें क्वेश्चन पूरा कार्टेशियन सिस्टम में गिवन है और हम दैट कार्टेशियन सिस्टम को राइट फ्रॉम लिमिट टू ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू पोलर, ठीक. सेकेंड है जिसमें कार्टेशियन में गिवन है लेकिन लिमिट्स गिवन नहीं है, लिमिट्स के लिए रीजन दिया है, तो हम वो बाउंडेड रीजन ट्रेस करते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पोलर में. यहां पर दोनों ही केसेस में यू हैव टू फाइंड द बाउंडेड रीजन. यहाँ हम बाउंडेड रीजन डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट, यहाँ पर हम बाउंडेड रीजन डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व. मोस्टली जहां पर भी कर्व सर्कल होता है, एलिप्स होता है, वहां पर हम उसको पोलार सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो जो पोलार सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड डी एक्स डी वाई इज आर डी आर डी थीटा. दिस वी यूज टू कन्वर्ट कार्टेशियन सिस्टम इंटू पोलार. और लिमिट के लिए पहले बाउंडेड रीजन डिटरमाइन करेंगे, देन विल कंसिडर रेडियल स्ट्रिप टू फाइंड और टू इवेल्युएट द लिमिट. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. यहां इस क्वेश्चन में उन्होंने फंक्शन दिया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब एक्स वाई में, लिमिट भी दी है किसमें, एक्स वाई में, ठीक है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी नीड टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रेशन इन टू पोलार सिस्टम. तो पोलार सिस्टम में कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है, जब तुम पहली बात तो ऑर्डर देखते, यहाँ एक्स है मतलब यहाँ मुझे पहले इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में करना है एंड देन एक्स के रिस्पेक्ट में. अगर वेरिएबल लिमिट में एक्स रिफ्लेक्ट होता है, इट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू शुड नो कि ई रेस टू वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्टली, राइट. तो यहाँ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन डायरेक्टली बाय यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द पोलार सिस्टम. पोलार सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड लिमिट्स आई हैव रिटन, ओके. सो दिस कन्वर्टेड टू ई रेस टू माइनस आर स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रिटन एज आर स्क्वायर, ओके. डी वाई डी एक्स की प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, आर डी आर डी थीटा. ये हमने फंक्शन को पोलार में कन्वर्ट कर दिया. नाउ हाउ टू कन्वर्ट लिमिट. तो लिमिट कन्वर्ट करने के लिए ऐसे नहीं है कि तुम डायरेक्टली जीरो और यहां लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. नो, लिमिट इवेल्यूएट करने के लिए ऑलवेज यू हैव टू ट्रेस द एग्जिस्टिंग लिमिट, फाइंड द बाउंडेड रीजन, ओके, एंड देन कंसीडर अ रेडियल स्ट्रिप टू इवेल्यूएट लिमिट इन पोलार सिस्टम. तो हम सबसे पहले एग्जिस्टिंग ट्रेस करते, वाई इक्वल्स टू दे हैव गिवन, वाई जीरो दिया है और दूसरा दिया है वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. व्हाट डज इट मीन, दैट इज अ वर्टिकल स्ट्रिप हुज लोअर एंड इज एट वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एक्स एक्सिस,
अपर एंड इज ऑन दिस कर्व. ये कर्व सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सिंप्लीफाई. ठीक. नाउ सेकेंड सेज कि ये जो वर्टिकल स्ट्रिप मिल रही है मुझे वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम जीरो टू ए. ओके, विल ट्रेस दिस कर्व. ये सर्कल लिया मैंने, राइट. ये सर्कल में लोअर एंड जो है वर्टिकल स्ट्रिप का वो है वाई जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे, अपर है वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस वर्टिकल स्ट्रिप इट्स मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम जीरो टू ए मतलब यहां से यहां. तो मुझे मिल गया ये बाउंडेड रीजन. बाय एग्जिस्टिंग लिमिट वी फाइंड द बाउंडेड रीजन. आई ट्रेस हियर अगेन सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट पोलर लिमिट. ये बाउंडेड रीजन था. नाउ मुझे क्या करना है बेटा, यहां पर लिमिट्स है कार्टेशियन लिमिट्स है, उसको कन्वर्ट करना है इसमें पोलर में. तो मैंने यहां इस बाउंडेड रीजन में वी कंसिडर अ पोलर स्ट्रिप. ठीक. अब देखो पोलर स्ट्रिप का जो एक एंड है वो कहां पर है, पोल पर. पोल पर आर कितना होता है, जीरो. जो अदर एंड है वो किस पे है, सर्कल पे. कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं कितना लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब आर इक्वल्स टू कितना हो गया, ए. तो अदर एंड है कर्व पर जहां पर r की वैल्यू कितनी है, a. तो r इक्वल्स टू a इज अ, इट इज व्हाट, इट इज सर्कल ऑफ रेडियस a हुज सेंटर इज ओरिजिन. तो मुझे r की वैल्यू मिल गई जीरो टू a. नाउ दिस रेडियल स्ट्रिप नॉट मूविंग हॉरिजेंटली नॉट मूविंग वर्टिकली, दिस रेडियल स्ट्रिप इज रोटेटिंग टू कवर दिस बाउंडेड रीजन. तो ये रेडियल स्ट्रिप कैसे रोटेट कर रही है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मतलब जीरो से पाई बाय टू. तो मुझे यहाँ कन्वर्शन क्या मिला, आर इज फ्रॉम जीरो टू ए एंड थीटा इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू, राइट. यहां मैंने लिख ली लिमिट्स. सो दिस बिकम आर फ्रॉम जीरो टू ए एंड थीटा इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू. दोनों ही लिमिट कॉन्स्टेंट लिमिट है इसलिए यू कैन इंटीग्रेट आइदर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फर्स्ट और विथ रिस्पेक्ट टू आर फर्स्ट. बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है. ये आर के लिमिट्स है और ये थीटा के. सो यू कैन इंटीग्रेट आइदर विथ रिस्पेक्ट टू आर और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. द थिंग इज यू हैव टू कंसिडर द करेक्ट लिमिट. थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो थीटा के लिमिट्स कंसिडर करो, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो देन आर के. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट limits in polar system and how to convert the question into polar coordinate. Let's see one more example. Now look at this example. जहाँ पर उन्होंने limits नहीं दिए, they asking to evaluate the integration. Okay, where R is the region, x square plus y square equals to a square. ठीक है, साथ में कुछ नहीं दिया है, सीधे सीधे ये जो पूरा circle है वो इसका bounded region है that they have given. Now why we need to again converting to the polar substitution. तो ये sine के angle में we have x square plus y square. So it is difficult to integrate either with respect to x or y in the coordinate system because ये angle के अंदर है, you cannot substitute. Clear? So यहां मुझे इस question को किस में convert करना पड़ेगा, polar में. अब polar में convert करने के लिए यहां तो बहुत simple है, these are the standard limit. Mostly students क्या करते हैं, x square plus y square की जगह a square लिखते हैं. No, this is wrong. यहां पर ये वेरिएबल है विच इज गोइंग टू बी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. तो जब तुम इसको पोलार में कन्वर्ट करोगे तो अगेन हियर मस्ट बी अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा. तो यहां मुझे कर्व की हेल्प से नहीं लिखना है, यहां मुझे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही लिखना है. सो बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन दिस बिकम साइन आर स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर आर डी आर डी थीटा. ये जो साइन आर स्क्वायर है ये साइन का एंगल है, क्लियर. और ये जो आर है वो अलग है. इतना मिला. नाउ द थिंग इज लिमिट. तो लिमिट के लिए सबसे पहले एग्जिस्टिंग रीजन ट्रेस करेंगे. एग्जिस्टिंग रीजन क्या है, अ सर्कल हुज रेडियस इज ए एंड सेंटर इज ओरिजिन. पूरा सर्कल बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला, सेकंड नहीं बोला. तो दिस कंप्लीट
circle is the bounded region. Now to evaluate limit, always consider a radial strip from pole. हमने रेडियल स्ट्रिप पोल से कंसिडर किया. अब ये पोल से कंसिडर करने के बाद इसका फर्स्ट एंड कहां पर है? पोल पर, जहां पर आर कितना है? जीरो. सेकेंड एंड कहां पर है? सर्कल पर. इस सर्कल को पोलार में कन्वर्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो आर कितना हो गया? ए. अदर एंड कहां है? आर इक्वल्स टू ए पर. एंड टू कवर दिस कंप्लीट बाउंडेड रीजन, दिस रेडियल स्ट्रिप इज रोटेटिंग फ्रॉम आर इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू जीरो टू थीटा इक्वल्स टू टू पाई. तो मुझे लिमिट्स क्या मिल गए? आर के जीरो टू ए एंड थीटा इज फ्रॉम जीरो टू टू पाई. दिस वे द गिवन इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इन टू द पोलर, राइट? सो दिस इज द वे हाउ टू इवेल्युएट द लिमिट इन पोलर. पोलर में हम क्या करते हैं? रेडियल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं. उसका फर्स्ट एंड पोल पर है, सेकेंड एंड कहाँ पर है? कर्व पे. तो कर्व की हेल्प से निकालेंगे कि उसमें आर की वैल्यू कितनी है, राइट? थीटा इज शोइंग द रोटेशन टू कवर द बाउंडेड रीजन. दिस वे द कंप्लीट कार्टेशियन सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू द पोलर सिस्टम. आई होप यू अंडरस्टैंड how to make polar substitution to solve the integration. In next video lecture, we will solve the examples by using polar substitution, by using changing the order, by using evaluation of limit. Thank you so much for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you.